बिग बॉस ने सभी घर वालों के सीक्रेट्स किए आउट। कैप्टनसी टास्क के लिए बिग बॉस ने रिवील किए सारे घर वालों को एक दूसरे के सीक्रेट्स। वेल आखिर क्या है ये पूरा माजरा, आइए हम आपको बताएं। बिग बॉस 15 के घर में बहुत जल्द शुरू होने वाला है कैप्टनसी टास्क, जिसके चलते बिग बॉस ने सभी घर वालों के कुछ सीक्रेट एक दूसरे को बताए हैं। हम आपको बता दें कि ये सीक्रेट महज अपकमिंग टास्क के लिए बिग बॉस ने सभी घर वालों को बताए हैं। वेल सीक्रेट की अगर बात करें तो उमर रियाज को बुलाकर उन्हें प्रतीक सहजपाल का सीक्रेट बताया गया। उमर को ये बताया गया कि प्रतीक ने जय भानुशाली की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है। उमर के बाद बुलाया गया सिम्बा नागपाल को और सिम्बा को ये बताया गया कि मायशा और ईशान एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिसके बाद सिम्बा बिग बॉस से ये पूछते नजर आए थे कि इसमें सीक्रेट क्या है। सिम्बा के बाद बुलाया गया जय भानुशाली को। जय भानुशाली को ये बताया गया कि शमिता शेट्टी ने अपने सारे गहने गिरवी रख दिए हैं। जय भानुशाली के बाद बुलाया गया राजीव दातिया को और उन्हें विशाल का सीक्रेट बताया गया और उन्हें बताया गया कि विशाल नौकरी पे जाने का नाटक करते हैं और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। राजीव के बाद बुलाया गया उन्हीं की राखी सिस्टर यानी शमिता शेट्टी को। शमिता शेट्टी को बताया गया तेजस्वी प्रकाश का सीक्रेट और ये बताया गया कि तेजस्वी प्रकाश ने अपने ससुर का मर्डर कर दिया है। शमिता के बाद बुलाया गया निशांत भट्ट को। निशांत को उमर रियाज का सीक्रेट बताया गया और उन्हें ये बताया गया कि उमर को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है। निशांत के बाद बुलाया गया निशांत के बेस्ट फ्रेंड प्रतीक सहजपाल को। प्रतीक को करण का सीक्रेट बताया गया और उन्हें ये रिवील किया गया कि करण को जुआ खेलने की लत है। प्रतीक के बाद बुलाया गया तेजस्वी प्रकाश को, जिन्हें मायशा का सीक्रेट बताया गया। तेजस्वी को ये बताया गया कि मायशा अय्यर सबके सामने डाइट कॉन्शियस होने का नाटक करती हैं, लेकिन सबके पीछे गुलाब जामुन खाती हैं। तेजस्वी के बाद बुलाया गया करण कुंद्रा, अफसाना खान और विशाल कोटियन को। हालांकि उन्हें किस घर वाले के सीक्रेट बताए गए हैं ये अब तक पता नहीं चला है। पर आखिरकार ये कैप्टनसी टास्क क्या है, इसकी सारी डिटेल्स भी हम आप तक जल्दी पहुंचाएंगे। बिग बॉस सीजन 15 से जुड़ी सारी डिटेल्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।